नववर्ष और सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस की ओर से अपना रुख भी कड़ा कर लिया गया है, जिसकी जानकारी में एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पठानकोट तरफ आने वाले नाके तैनात कर दिए गए हैं। सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और पुलिस बल तैनात किए जा चुके हैं। पेट्रोलिंग दस्ते भी 24 घंटे सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें रात को देखने के लिए आधुनिक डिवाइस भी दिए गए हैं ताकि वे कच्चे रास्तों को देख सके और यहाँ की हलचल पर भी नजर बना सके। उन्होंने कहा है कि जिला में 30 नाके हैं जिन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे एक बड़ी तादाद के अंदर हमारे नाके 24/7 लगते हैं। सारे नाकों पे हमने अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं सारे नाकों पे, और रात को हमारा एक डीएसपी रैंक का अफसर और साथ में 2 सब इंस्पेक्टर एसएचओ रैंक के अफसर केवल और केवल बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी के रिगार्डिंग डेडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा बाकी लोग सिटी एरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सिटी एरिया और डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का काम देखते हैं। साथ में जो है हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्सेज जो हैं, जैसे हमारे कमांडो की टीम है, घातक की टीम है, स्वैट की टीम है, ये भी सरप्राइज हम अपने तरीके से चेकिंग भी करते हैं। साथ में जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज में स्ट्रेटजिकली मौजूद भी होते हैं, और बीएसएफ के साथ में भी बॉर्डर के ऊपर लाइजन रखते हुए जो है हम मुस्तैद तरीके से जो है सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।